हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रकिया फ्रेडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इंडिया में जितना भी स्टेट है या जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, मैं सभी का वीडियो बनाता हूँ। पूरी इंडिया का, इंडियन आर्मी का जितना भी रैली आता है ना, मैं सभी का वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक इंडियन आर्मी का भर्ती है। दोस्तों, मैंने बहुत दिन हो गया मैंने यूट्यूब में वीडियो नहीं छोड़ा है। थोड़ा मेरा कुछ पर्सनली प्रॉब्लम था, इसी की वजह से मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं दे पा रहा था। और दोस्तों, मेरे यूट्यूब में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया बहुत सारे प्रॉब्लम है जो वो मुझे मेरे द्वारा वो जानना चाहते हैं। वो मुझे कमेंट बहुत सारे कर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है। इसी की वजह से मैं यूट्यूब में अपडेट नहीं हो रहा, मैं यूट्यूब में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आज के बाद से मैं फिर से आप लोगों को YouTube में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एवरी डे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। डिफेंस के रिलेटिव कोई भी अगर अपडेट मिलता है, मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कॉमेंट था, इसीलिए मैं वो टॉपिक भी अभी डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, वो पूछ रहा है कि टेरिटोरियल आर्मी का रैली कब तक आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि पूरी यूट्यूब के भी बारे में बता रहा हूँ, पूरी यूट्यूब में जो प्रॉपर न्यूज़ दे सकता है टेरिटोरियल आर्मी का, वो मैं ही हूँ। मैं आप लोगों को 100% की गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो भी आप लोगों को बोलता हूँ ना, वो रियली 100% होता है। अगर कोई गलत होता है ना, मैं वीडियो ही नहीं बनाता, ठीक है। मैं व्यूज़ का पागल नहीं हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस आप लोग को हेल्प करना चाहता हूँ, बस वही है। जब सॉरी, टेरिटोरियल आर्मी का अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, मैं आप लोग को तुरंत वीडियो बना के आप लोग को जानकारी दे दूंगा। मैं आप लोग को कोई भी रैली मिस होने नहीं दूंगा, ठीक है। दोस्तों, आज का जो रैली है वो इंडियन आर्मी की रैली के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया, इसी की वजह से बहुत सारे रैली का नोटिस आया है। मैं एक एक करके सभी बनाने वाला हूँ, लेकिन बहुत सारे नोटिस है, इसी की वजह से मेरा दिमाग भी ख़राब हो सका है कि कौन सा वीडियो पहले बनाऊँ। इसीलिए दोस्तों, आज एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है तो आज दो या तीन वीडियो भी छोड़ दूंगा, क्योंकि दोस्तों सभी को पता चल सकेगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये तो नहीं बोलूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से आपको हेल्प होता है या आपका कुछ मदद होता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ये मुझे भरोसा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो रैली की नोटिफिकेशन से बता देता हूँ। दोस्तों, आर्मी, ये रैली का नोटिफिकेशन है। आर्मी रिक्रूटमेंट जो ऑफिस है वह गुरखा रिक्रूटिंग डिपोर्ट ग्रूम का है, ठीक है। दोस्तों, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट द ग्रूम आर्मी ग्राउंड, इसी ग्राउंड में आपका रैली होगा। जो उस जो वहाँ से बिलोंग करते हैं उन लोगों का पता होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये रैली होगा 14 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर 2019 से लेके 15 अक्टूबर 2019 तक ये रैली चलेगा, ठीक है। दोस्तों, इस रैली में कौन कौन सी स्टेट जा सकते हैं। दोस्तों, इस रैली में सिर्फ ओनली ऑन मेल कैंडिडेट ही जा सकते हैं इस रैली में। उसके बाद दोस्तों, इस रैली में दार्जिलिंग एंड कलिम्पंग जो डिस्ट्रिक्ट है, वही डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। दोस्तों, ये रैली चलेगा 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच तक चलेगा। ये रैली का जो ग्राउंड है, ये ग्रूम आर्मी ग्राउंड में होगा। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई होगा आपका, होगा 23 अगस्त, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, मैंने वीडियो बनाया है, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। आप वीडियो देख कर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी मिलेगा, वो आप खुद ऑनलाइन अप्लाई अपने मोबाइल में कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 23 अगस्त से लेके 6 अक्टूबर के बीच तक आपका ऑनलाइन अप्लाई चलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ये ऑफिशियल साइट है इंडियन आर्मी, joinindianarmy.nic.in, ठीक है। यही वेबसाइट पर आप जा सकते हो, ठीक है। इसका जो PDF है, इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब इंटरव्यू नज़दीक आता है, उसमें आप लोग का एक एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोग को किस तरह से डाउनलोड करता है, उसका भी वीडियो बनाया है दोस्तों। इसका जो एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, 7 अक्टूबर के बीच में आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इसके लिए आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन या क्या क्या चाहिए, मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें आप लोग को पोस्ट मिलेगा, सोल्जर जनरल ड्यूटी का पोस्ट मिलेगा। इसमें आप लोग को दिखाया जा रहा है इंडियन डोमिसियल, गुरखा का डोमिसियल चाहिए शायद।
और एज 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में आप लोग को एज मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो हाइट 157 आप लोगों को हाइट मांगा जा रहा है, वेट 48 kg, सेस 77 नॉर्मल सेस और 5 इंच आपको फैलाना होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप 10 पास हो तो आप लोग को 45 आप लोग का परसेंटेज होना पड़ेगा, और सभी सब्जेक्ट आपका जितना भी सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्टों में आपको 33% होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिर्फ आपको इसमें जीडी का ही पोस्ट मिलेगा, इसके अलावा ट्रेडमैन या क्लर्क सोल्जर के पास इसका पोस्ट नहीं है, सिर्फ इसमें जीडी का पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक आपका पिताजी या फादर ब्रदर कोई भी नौकरी करता है ना, उसकी वजह से आप लोग को छूट मिलेगा। जैसे आप लोग को हाइट में 2 इंच का छूट मिलेगा, सेस में 1 इंच का, वो वेट में वेट 2 kg का छूट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपने इंटरनेशनल खेला है या नेशनल कोई गेम खेला है या स्टेट लेवल का गेम खेला है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी अगर आपका गेम का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट या सेकेंड पोजिशन होना पड़ेगा, ठीक है। और ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपका उसमें उसकी वजह से आप लोगों को 2 इंच का हाइट का छूट मिलेगा और सेस में 3 इंच का, वेट में 5 kg का आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा पतला ही होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या क्या रनिंग आप लोग का होगा पता है दोस्तों, 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा, जिसमें आप लोग को टाइम दिया जाएगा 5:30, यानी कि 5:30 मिनट में अगर आप आते हो तो आप लोग का मार्क दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को 60 मार्क दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को एक्सीलेंट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर 5:31 सेकेंड से लेकर 45 सेकेंड के बीच में अगर आप आते हो तो आपको 48 मार्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बीम मारा जाएगा, बीम में आप लोग को अगर 10 सेट लगाते हो 40 मार्क मिलेगा, 9 सेट लगाते हो 33 मार्क मिलेगा, 8 सेट लगाते हो 27 मार्क मिलेगा, 7 सेट लगाते हो 21 मार्क मिलेगा, 6 सेट लगाते हो 16 मार्क मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको लॉन्ग जम्प भी होता है, लॉन्ग जम्प आपको 9 फीट लगाना होता है। उसके बाद जिगजैग बैलेंसिंग होता है, इसी तरह से एक लकड़ी होगा 2 फीट ऊपर होगा, इसमें आप लोगों को चढ़ कर जाना है, कोई मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, A to Z सर से लेके पाँव तक जो भी आपका टेस्ट किया जाता है ना, मैं सब कुछ डिटेल में समझा के वीडियो बनाया है। मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, आप देख सकते हो उस वीडियो को। रिटेन टेस्ट में क्या क्या होता है, सिलेबस वगैरह सब कुछ वीडियो मैंने छोड़ कर रखा हुआ है। एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करते हैं उसका भी वीडियो छोड़ा है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है, क्या क्या ले जाना होता है, उसका भी वीडियो बनाया है। या कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब कुछ वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों, आप अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिए। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो ले जाइए, अगर नहीं है तो किस तरह से उसको निकला जा सकता है, किस तरह से NCC किया जा सकता है, कहाँ से मिलता है सर्टिफिकेट, मैंने ऑलरेडी समझा के वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। ये दोस्तों आप रैली में जब जाओगे एफिडेविट बनाना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों एफिडेविट कहाँ से बनाना है, क्या क्या करना है, मैंने सब कुछ समझा के वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए, आपका फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जब भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सके, इसीलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।